हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, जो थ्री फेस मतलब क्या, सिंगल फेस मतलब क्या है, मतलब थ्री फेस सिंगल फेस का बारे में जो टेक्निकल में आज हम लोग को डिस्कस करने वाले नहीं है। अभी मान लीजिए आप एक क्या है घर जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे बोल के मान लीजिए, जो घर कंस्ट्रक्ट करने के बाद वही घर को आपको सिंगल फेस उसको कनेक्शन जो लेना है, नहीं तो थ्री फेस का जो पावर सप्लाई कनेक्शन लेना है, उसमें आपको कुछ क्या है डाउट आएगा। वो डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो को सिर्फ स्किप मत कर दीजिए, जो पूरा को देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा कौन सा जो कनेक्शन को आप लोग को जाना चाहिए बोल के आपको पता हो जाएगा। उसका पहले अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो लाने से आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे चैनल में तमिल हिंदी में मैं तो सभी वीडियो को मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। सिंगल फेस मतलब क्या, थ्री फेस मतलब क्या, आप पूछने से सिंगल फेस मतलब क्या है, फेज न्यूट्रल वो जो रहेगा, मतलब टू वे सिस्टम बोल के हम लोग को बोलते हैं। थ्री फेस मतलब क्या है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, फिर जो न्यूट्रल आएगा, इसको हम लोग को तीन वायर सिस्टम फिर न्यूट्रल को मिलके फोर वायर सिस्टम बोल के हम लोग को बोलते हैं। अभी मान लीजिए उसी का सिंगल फेस जाना है नहीं तो थ्री फेस जाना है, आपको कुछ कहे कंफ्यूजन आ जाएगा, वो किससे जो डिपेंड है, तो चीज में वो डिपेंड करता है, तो चीज को जो डिपेंड करके आप लोग को ये सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्या है, आपका लोड, आप कितना लोड आप जो यूज करने के लिए जो जा रहा है उसी का हिसाब से सिंगल फेस जाना है नहीं तो थ्री फेस जाना है बोल के आप तो जाना आप तो सेलेक्ट करना। फिर आप जो रहता है मतलब आपका घर जो किधर रहता है वही का जो एनवायरमेंट का मतलब वही जगह किधर रहता है, मतलब वही जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका जो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उधर में थ्री फेस का कनेक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, सिंगल फेस कनेक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसी का बारे में उसी का जो चेक करके आप ये क्या है उसी में चेक करके आपका जो अप्लाई कर सकता है। पहले क्या है लोड, आपका लोड, आप कितना जो लोड आपका घर में जो यूज करने के लिए जो जा रहा है उसी का हिसाब से आप सिंगल फेस जाना है नहीं तो थ्री फेस जाना है। फिर आपका जो घर जो किधर रहता है उसी का कारण से भी हम लोग को जो सेलेक्ट करना चाहिए। अभी एग्जांपल क्या है, आपका घर एक 1 BHK आप तो बना रहे बोल के मान लीजिए, एक बेडरूम हॉल किचन, उसी में अभी हमारा जो आदमी है वो हम लोग को क्या करेगा, एक फैन सभी जगह पे फैन डाल देगा, लाइट डाल देगा, फिर कम से कम हम लोग को फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्यों बोलने से हमारा अभी का जो टाइम है ये जो बहुत जरूरी है, जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन आप तो ले लेता है। ये सब कुछ ये तो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है ना वो सभी का जो वाट को ऐड करो। वाट मतलब क्या है, एक जो इलेक्ट्रिकल चीज रहता है वो एक घंटा मतलब एक उसमें जो नेम प्लेट डिटेल्स रहेगा उसमें जो रेटिंग रहेगा वही रेटिंग को आप ऐड करते रहो, मतलब फैन, लाइट, फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ को ऐड करते रहो। ऐड करने के बाद पूरा ऐड करने के बाद आपको 1000 वाट आ रहा है, नहीं तो 2000 वाट आ रहा है, 3000 वाट आ रहा है आप बोल के मान लीजिए। वह आपका जो हमारा तमिलनाडु में भी बोलता हूँ, तमिलनाडु में क्या करता है, 500 वाट का जो अंदर जो कुछ चीज हम लोग को यूज करता हूँ उसी को क्या रेकमेंड कर रहा है, सिंगल फेस जाने के लिए जो रेकमेंड कर रहा है, मतलब 5 किलो वाट, ठीक है। उसी का अंदर आपका लोड रहने से आपको क्या बोलता है, सिंगल फेस जाने के लिए वही लोग को बोलता है। फिर आपका लोड 5 किलो वाट का ऊपर रहने से इधर में जो आदमी लोग क्या बोल रहे हैं, थ्री फेस ले लो बोल के इधर में रेकमेंड कर देता है। मतलब ये रेकमेंडेशन क्या है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर होगा। तमिलनाडु में क्या है, 5 किलोवाट का नीचे रहने से सिंगल फेस कनेक्शन देता है, 5 किलोवाट का ऊपर रहने से थ्री फेस कनेक्शन देता है। वो आपका जो स्टेट को भी चेक कीजिए, कम से कम यही सेम रहेगा लगता है। ये सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, आपका जो लोड है, ठीक है। आपका ये एक 1 BHK रूम में लाइट, फैन, फिर जो फ्रिज, फिर वॉशिंग मशीन यूज करने से आपका पूरा गिनती करने से आपका किलोवाट है ना वो 5 किलोवाट का नीचे रहेगा, वही जगह पे आप सिंगल फेस जाना चाहिए। नहीं तो आप एसी सभी जगह पे एसी हम लोग को डालने के लिए आप कोशिश कर रहा है, फिर हीटर डालने के लिए कोशिश कर रहा है, माइक्रोवेव डालने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर ज्यादा ज्यादा जो अवर कुछ इलेक्ट्रिकल चीज लाने के लिए कोशिश कर रहा है बोल के आप सोचने से आप थ्री फेस जाना चाहिए। क्यों बोलने से उसी का जो इक्विपमेंट का जो रेटिंग है ना वो रेटिंग में उसका इक्विपमेंट का पीछे जो रेटिंग रहेगा वो रेटिंग को आप गिनती करके मतलब ऐड करके आने से उसी का जो रेटिंग 5 किलोवाट का ऊपर ही आएगा, जो 5 किलोवाट का ऊपर आएगा तो आप थ्री फेस कनेक्शन लेना चाहिए, ठीक है।
सो अभी आपको जो आइडिया आया होगा, मतलब सिंगल फेज कनेक्शन, थ्री फेज कनेक्शन, किसी का आपका घर के लिए कौन सा अच्छा है बोल के आप किसी से आप सेलेक्ट करना, आपका लोड का हिसाब से आप सेलेक्ट करना चाहिए। फिर दूसरा एक चीज बोला, जो आपका घर जो किधर रहता है, आप मान लीजिए अभी आप जो घर जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो अंदर है, मतलब क्या है मतलब आदमी लोगों को किधर भी नहीं है, पूरा अंदर पे क्या है रूरल एरिया में आप लोग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वही जगह पे क्या होता है आदमी लोग को पास पास में नहीं रहेगा, वो दूर दूर में रहेगा, ऐसा जगह पे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला क्या करता है वही जगह पर थ्री फेज को लेके आने के लिए वो ज्यादा जो कच्चा आएगा बोल के सोच के वही जगह पे थ्री फेज को नहीं देगा, वही लोग को सिंगल फेज से देगा। इसलिए आपका घर का मतलब जो घर बनाता है वही जगह पे थ्री फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल के चेक करके अप्लाई कीजिए। क्यों बोले से कम से कम वो लोग को दे देगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको तुरंत आपको पावर चाहिए बोलने से आप सिंगल फेज जाएगा तो वही लोग तुरंत दे देगा, लेकिन वही जगह पे थ्री फेज नहीं है, आप अप्लाई करता है ऐसे जगह पे क्या हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, एक महीना आएगा, दो महीना आएगा, नहीं तो बहुत महीना भी आ सकता है। क्यों बोलने से आपके लिए वो थ्री फेज कनेक्शन आपका जो घर जो बनाता है और एरिया रहता है ना उसको लेके आना चाहिए, इसलिए बहुत कच्चा आएगा बोल के थोड़ा प्रोसेस को डिले कर देगा। ठीक है, सो सिंगल फेज थ्री फेज उसी में आप किसी का डिपेंडेंट में मतलब किस कारण से आप जो सेलेक्ट करना, आपका लोड, आप कितना जो लोड यूज कर रहा है उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आप दूसरा इलेक्ट्रिशियन का जो रिकमेंडेशन, फिर दूसरा आदमी के पास रिकमेंडेशन का पूछने का जरूरत नहीं, ये वीडियो में मैं आपको जो मैं एक्सप्लेन कर दिया किस कारण से आप लोगों को सिंगल फेस थ्री फेस जाना चाहिए बोल के। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए, आपको कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय।